हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सब्सिडरी कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं पिछले क्वार्टर से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू देखूँ तो यहाँ पे रेवेन्यू में हमको 28% की ग्रोथ देखने को मिली है और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 14,705 करोड़ का। तो देखिए, रेवेन्यू तो यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन देखिए अभी पेट्रोलियम का काम है तो हर क्वार्टर में नई नई गाड़ियाँ आती हैं तो उससे ज़्यादा ही वहाँ पे पेट्रोल का डिमांड हमको बढ़ता हुआ नज़र आता है। और हमको पता ही है कि जो पेट्रोल के प्राइसेज अभी बढ़े थे बीच में, तो उसकी वजह से ये सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको रेवेन्यू ग्रोथ नज़र आएगा। लेकिन मेन जो यहाँ पे अच्छी बात है वो ये है कि कंपनी को 546 करोड़ का लॉस हुआ था पिछले क्वार्टर में, और जबकि यहाँ पे अभी 241 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 550 करोड़ के करीब यहाँ पे लॉस में थी और अभी 241 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है, क्योंकि देखा जाए शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर मैं पिछले साल यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करूं तो वहां पे हमको 24% का रेवेन्यू ग्रोथ नजर आया है। अब इसके बाद अगर आप पिछले साल यानी कि पिछले साल जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में कंपनी को 1624 करोड़ का लॉस था और जबकि अभी हुआ है 241 करोड़ का प्रॉफिट। तो देखिए, यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले भी अच्छा परफॉर्मेंस है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी यहाँ पे चेन्नई पेट्रोलियम का परफॉर्मेंस अच्छा नजर आया है। अब देखिए, यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है, 1611 करोड़ का मार्केट कैप है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। वैसे मैंने कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट था वो स्टडी किया था, जिसमें अर्निंग पर शेयर 17 रुपीज़ का था, तो अभी अराउंड 109 या 110 के लगभग ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, तो अराउंड देखा जाए तो 6 या 7 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है। तो देखिए, यहाँ पे जो BPCL है, जो मार्केट लीडर है, तो वो लगभग अराउंड 15 से 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है, और उसके बाद अगर मैं HPCL की बात करूँ तो वो 5 से 6 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। तो देखा जाए कोई ज़्यादा अंडर वैल्यूड शेयर नज़र नहीं आता है। जो HPCL जो कि जिसका धंधा इससे भी ज़्यादा है, वो अगर 5 से 6 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है तो सीधी सी बात है कि ये भी नॉर्मल वैल्यूएशन पर आपको अभी मिल रहा है। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री का भी ऑलरेडी यहाँ पे 39 नज़र आएगा, लेकिन मैंने जो इसके कंपिटिटर्स हैं उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ट्रेड देखा, वहाँ पे ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन नज़र नहीं आ रहा था। अब देखिए, अगर देखा जाए तो पिछले साल अराउंड 10% का रेवेन्यू भी गिरा था और पिछले 2 साल से लगातार जो कंपनी है वो लॉस में भी चल रही थी, और इस बार कंपनी एट दी एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी प्रॉफिट में आई है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है आपके, मतलब अगर आप इसके शेयर होल्डर्स हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात ये है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक अभी 51% लॉस में, मतलब अगर आपने 5 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो आपको अभी 51% का लॉस हो रहा होता, मतलब आपकी कैपिटल आधी हो चुकी होती। तो देखिए, चेन्नई पेट्रोलियम का एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी इसमें हो चुका है, हो सकता है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बोलूँगा कि जो अभी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की आई है तो यहाँ पे अराउंड 120 या 125 के लगभग शॉर्ट टर्म में ये शेयर जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर चेन्नई पेट्रोलियम में इन्वेस्ट किया है तो मेरे ख्याल से आपने गलत कंपनी चुनी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए चेन्नई पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, जो पूरे पेट्रोल सेक्टर की अगर हम बात करें, पेट्रोल और डीजल, तो वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आती है। देखिए, अभी इनकी जितनी सेल्स हो रही हैं आने वाले समय में वो सेल्स उतनी नहीं होंगी। देखिए, हम सब इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ परसेंटेज यानी कि अराउंड 40 से 50% का जो हिस्सा भी हमको जो CNG व्हीकल्स हो गए या फिर पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स हो गए, वहाँ पर अभी अगर हम पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स की अगर हम अभी बात करें तो अराउंड 70 से 80% मार्केट शेयर अभी इसका है, पेट्रोल से डीजल व्हीकल्स का, क्योंकि आने वाले समय में आपको आराम से 50% होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, अगर पेट्रोल से डीजल व्हीकल्स का मार्केट शेयर कम होगा तो आने वाले समय में
इनकी सेल्स में भी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म भी मुझे पेट्रोलियम कंपनीज पे कुछ ऐसा लगता नहीं कि पेट्रोलियम कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है अगर प्रॉफिट में हो मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए, अगर प्रॉफिट में नहीं हो तो कुछ नहीं, अब होल्ड करके रखिए और कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करूंगा कि चेन्नई पेट्रोलियम के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।